नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रभूषण कुमार। जैसे कि आपको इस वीडियो के थंबनेल में देखकर पता चल गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग सीएससी का आईडी कैसे लेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होंगे, अगर आप लोग सीएससी का आईडी ले लेते हैं तो वहाँ पर आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसमें आपको आधार का यूसीएल वाला भी काम मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल ईमेल आईडी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सीएससी का आईडी रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी तक सीएससी का आईडी नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सीएससी का आईडी मिल जाए। अगर आप लोग सीएससी का आईडी पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं और आपको वहाँ पे पेंडिंग शो कर रहे हैं या रिजेक्ट हो गया है तो उसे कैसे अप्रूवल करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, अगर आप लोग सीएससी का आईडी लेना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और आपको यहाँ पे सर्च करना हो सीएससी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन। जैसे आप यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो सबसे ऊपर में ही सीएससी रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में सीएससी रजिस्ट्रेशन है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो register.cscgov.in, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीएससी का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन होकर आ चुके हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग ऊपर में देखोगे तो आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन मिल रहा है, अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, माई अकाउंट का, टूल्स का, मिसिंग डाटा का, उसके बाद FAQs का, ठीक है। जैसे किसी का अकाउंट है सीएससी में तो सिंपली माई अकाउंट पर क्लिक करके और आप लोग यहाँ पे सीएससी आईडी भर के और यहाँ पे फिंगरप्रिंट के द्वारा आप लोग यहाँ पे अपना सीएससी का अकाउंट चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो कैसे लेंगे, तो सीएससी आईडी लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होता है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है। तो जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे सीएससी वीएलई सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप लोग सीएससी वीएलई सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे टीईसी सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, ठीक है। आपके पास टीसी का नंबर होना चाहिए। जब तक आपके पास टीसी का नंबर नहीं होंगे तब तक आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कोई भाई जो बोल रहा है वीडियो में कि सीएससी का आईडी बिल्कुल फ्री में मिलता है तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। हम आपको बता देता हूँ कि वो आईडी कैसे आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। अगर आप एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है, या एफपीओ है, एफपीएस है, ईश्रम कार्ड का आप लोग यहाँ पे ऑपरेटर है, आरडीडी है, नम एसएचजी है, बैंकिंग का काम करते हैं, सीएससी एम्प्लॉय है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर लिंक जो है वो होना चाहिए, ये जो कंपनी हम आपको दिखाएं। लेकिन आप लोग एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो सिंपली आपको सीएससी वीएलई पे सेलेक्ट करना होता है। सीएससी वीएलई पे सेलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पे है टीसी नंबर मांगेगा ही, ठीक है। जब तक आपके पास टीसी नंबर नहीं होगा तब तक आप लोग यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि आपको यहाँ पे टीसी नंबर कैसे लेना है। टीसी नंबर लेने के लिए सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद टीसी सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो टीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यू पेज में आपको ओपन कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए टीसी का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन होके आ चुके हैं। यहाँ से अगर आप लोग आगे करोगे तो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो दो ऑप्शन मिल रहा है आपको, लॉगिन का, रजिस्टर का और लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट का, ठीक है। आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, तीनों ऑप्शन के बारे में हम बता देते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट है, ठीक है। जैसे आपने सीएससी आईडी लिए हैं और आपके पास टीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके टीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। जब तक आपके पास टीसी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तब तक आपको यहाँ पे सीएससी का आईडी बंद भी हो सकता है। तो आप लोग अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप लोग जल्द से जल्द टीसी का एग्जाम दे दे और फाइनल, और उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको सीएससी में फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आते है। उसके बाद है लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन जो है, जो व्यक्ति टीसी में रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उसके लिए लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, वो आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग न्यू है तो सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है तो सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो सिंपली आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे और रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग फिल करेंगे वो आधार कार्ड में जो होगा या पैन कार्ड में जो होगा वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आपको नाम भरना है इस कॉलम में, तो आधार कार्ड पे जो भी नाम है वो नाम आपको भरना है। इसमें कोई भी वर्ड मिस नहीं करना। अगर आपका एक भी वर्ड मिस हो जाते हैं, ई छूट जाता है या ए छूट जाता है, तो आप लोग यहाँ पे टीसी का फिर सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा लेकिन सीएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर आपका यहाँ पे जो भी पेमेंट लगेगा वो बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे भरेंगे, कॉलम फिल करेंगे,
आप डॉक्यूमेंट सामने रखेंगे, सामने रखने के बाद वो सारा कुछ सही सही भरोगे, देख के भरोगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे 2-3 बार वेरीफाई कर लेना है अगर हमारी माने तो, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं कि इसमें आपको भरना क्या सब है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे नाम भरोगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो भी होगा आधार कार्ड से लिंक, वो भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरना। ईमेल आईडी लिंक रहना कोई भी जरूरी नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो आपको ये रहना कोई भी अनिवार्य नहीं है। नहीं है तो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे वीडियो में बोलता है कि ईमेल आईडी जब तक लिंक नहीं होगा तब तक सीएससी का आईडी नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। ईमेल आईडी कोई भी आप लोग दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी रहना अनिवार्य है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर, स्पाउस, मदर का नाम जो भी है आपके आधार कार्ड पे वो भरेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। इस सूची से आप लोग स्टेट का नाम सेलेक्ट करोगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे कॉलम में मिल जाते हैं। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस है पूरा एड्रेस भरोगे, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस आप लोग इस कॉलम में पूरा भरोगे, ठीक है। पूरा एड्रेस भरने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन मिला, तो आप लोग यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे सेम है वही भरोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद कैप्चर कोड जो यहाँ पे दिख रहा है ये कैप्चर कोड आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करोगे तो 1479 रुपये का पेमेंट कटेगा और आपको यहाँ पे एक टीसी नंबर जनरेट होके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे टीसी नंबर जनरेट होके आ जाते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे फिर से आ जाना है। उसके बाद टीसी नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भर के सबमिट कर देना। जैसे आप लोग यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको न्यू पेज ओपन हो जाते हैं, उसे आपको भरना होगा। उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ये सब कैसे करना है नहीं करना है इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आपको यहाँ पे आई वाला बटन पे, ठीक है, आई वाला बटन पे वो वीडियो मिल रहा है ऊपर में, अगर आप लोग देखेंगे तो उस पर वहाँ पे वीडियो आपको मिल रहा है। वो वीडियो देख के आप लोग यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बारे में पहले से ही बता रखे हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हो, रजिस्ट्रेशन करना कोई भी भारी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप लोग सिंपली कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी स्टेटस है, अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पे स्टेटस चेक पे क्लिक करोगे तो आप जैसे रेफरेंस नंबर भरोगे और कैप्चा कोड भरेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपका यहाँ पे बहुत सारे भाई का पेंडिंग दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेंडिंग दिखाई देता है इसे कैसे अप्रूवल करना है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेंगे। क्योंकि पेंडिंग तो बहुत सारे भाई का है, जैसे सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन किया है, बहुत सारे भाई का पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया है, बहुत सारे भाई का अप्रूव भी हो गया। अप्रूव कैसे होता है उसके बारे में हम आगे बताते हैं, ठीक है। अप्रूव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर से न्यू यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेंगे और आपको यहाँ पे सर्च करना है बैंक मित्रा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक मित्रा, ये भी सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप लोग यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो बैंक मित्रा जो है यहाँ देखिए bankmitra.cscloud.in, तो ये भी सीएससी का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो। तो बैंक मित्रा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम एक एक करके ऑप्शन दिखा देते हैं। सबसे पहले है होम, उसके बाद है अबाउट अस, उसके बाद है वी ऑफर, उसके बाद है पार्टनर बैंक, उसके बाद है TDS डाउनलोड, उसके बाद है डाउनलोड, उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस। तो आपको सिंपली कॉन्टैक्ट अस पे माउस लेके आना है। जैसे यहाँ पे लेके आते हो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे माउस लेके आते हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का और FI बैंकिंग ऑफर्स का। तो सिंपली आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट है, तो आप लोग यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो उसका नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आप अपने आईडी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का मिल रहा है, ठीक है, सिंपली आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ठीक है। कॉल करके आपको यहाँ पे जानकारी दे देना है कि हमने रजिस्ट्रेशन किया है सर, मेरा यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। पेंडिंग होने के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है आपको यहाँ पे बुलाएंगे आपके एड्रेस पे, या ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके खुद शॉप पे विजिट करेंगे, ठीक है। विजिट करने के बाद आपका यहाँ पे हार्ड कॉपी लेगा, जैसे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासबुक का फोटो हो गया, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको हार्ड कॉपी में लेंगे फोटो कॉपी करके, ठीक है। फोटो कॉपी लेने के बाद आपका यहाँ पे अप्रूवल करवा देगा ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका अप्रूवल होता है सीएससी। अगर आप लोगों को सीएससी आईडी नहीं मिला है तो ये वीडियो देख के आप लोग 100% सीएससी का आईडी ले सकते हैं, ठीक है।
और आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जब तक कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे CSE ID अप्रूवल नहीं होता। तो सिंपली आपको यहाँ पे कांटेक्ट कर ही लेना है और यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो ईमेल से ज़्यादा आप लोग कॉल ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा उसका यहाँ पे लिस्ट मिल जाएंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, जितने भी है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग CSE ID ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आया है और आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख मिला है तो इस वीडियो के नीचे में आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ताकि आपको हमारा भी मनोबल बढ़े और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लाऊं, ठीक है। तो चलेगा जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।